जानते इन लोगों ने मुझे। मेरी बात तो सुनो अजय। तेरी जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। तेरे इसी झूठ ने मेरी माँ को मार डाला, मेरी बहन को उसके ससुराल से बेदखल कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी तेरे इसी झूठ ने। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भैया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। हट जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम इसे मारना चाहते हो तो बेशक मारो, लेकिन इसकी मौत की कीमत तुम्हें अपनी बहन की जान से चुकानी पड़ेगी। अंजलि हमारी माँ की कातिल है, इसकी झूठी गवाही ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही तो मैं समझना चाहती हूँ, किसने अदालत में झूठी गवाही क्यों दी। उठो, इसके आंसुओं में जरूर कोई सच छुपा है भैया, जिसे ये बता नहीं पा रही है। इसके आंसू भी एक फरेब है, जैसे इसका प्यार एक फरेब था। एक औरत के आंसुओं की कीमत तो एक औरत ही समझ सकती है भैया। अभी तो इंतकाम ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस दिन तुम्हें अपनी नाइंसाफी का एहसास होगा। चलो भाभी, चलो चलो। कहाँ ले जा रही हो इसे? उसी घर में जहाँ माँ ने कभी इसे बहु स्वीकार किया था। जानता हूँ, वो हरामजादा हमारी रामा को उठाकर ले गया है। ये सब जानते हुए भी आप चुप हैं? कल को जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे हम। रणवीर, वो घड़ी हम कभी नहीं आने देंगे। वो घड़ी आ चुकी है, घड़ी आ चुकी, वो घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है ब्रिजराज। तूने कहा था ना सती श्राप देती नहीं, तो सुन, कोई भी औरत अपनी मर्जी से सती नहीं होती। उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम जैसे जलील ना मर्द होते हैं। रही बात मेरे श्राप की, वो बहुत जल्दी तेरी आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है। रणवीर, बहुत गरूर है ना तुझे अपनी ताकत पर, लगा ले जितना जोर लगाना है, मगर एक बात याद रखना, एक मजलूम औरत के दिए हुए श्राप के प्रकोप से तू नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। कर दो इस झोपड़े को। इज्जत को तुम नहीं ले जा सकते। तू रोकेगा हमें? हाँ मैं। जानता है हमें रोकने का अंजाम क्या होता है? हाँ माफ मंजूर है मुझे, लेकिन मेरे जीते जी तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। हरामजादे,
राजा साहब का रास्ता रोकता है तू? नहीं, 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 छोटे सरकार, छोटे सरकार उन्हें रोकिए, छोटे सरकार उन्हें रोकिए। हट, रास्ता रोकता है हमारा, कुत्ते का पिल्ला सारा। नहीं, 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 बड़े सरकार, मैंने आपका जिंदगी भर नमक खाया है, मेरा बेटा नादान है, उन्हें उन्हें रोकिए सरकार, उन्हें रोकिए। नहीं लाला, हमारे खून से जब बगावत की बू आने लगे हम उसे कभी माफ नहीं करते। नहीं, और तुम्हारे खून ने भी यही किया। इस हराम जादे को इतना मारो, इतना मारो ताकि इसकी आखिरी चीख शहर के हर किवाड़ पर गूंजे, ताकि आज के बाद हमसे बगावत करने की कोई जरूरत ना कर सके। नहीं 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 राजा साहब, नहीं 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 राजा साहब, नहीं बाबू, नहीं नहीं, मत छुओ मुझे, मत छुओ। नहीं बेटे, नहीं। आपको तो खुशी हो गई होगी, मैंने आपके पाप अपना खून बहाकर धो दिए। नहीं बेटे, नहीं नहीं, इस कर्ज को लेकर तेरा बाप जी नहीं सकेगा बेटे। पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत पापों का बोझ है, अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा बेटे, सहा नहीं जाएगा। बाबू, हाँ बेटे, आप सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो? हाँ बेटे। तू जाओ, जाओ जाके अजय को सच्चाई बताओ, उसे कहो रमा रमा बेकसूर है, राजा साहब के आदमी उसे उठा कर ले गए। बताओगे ना बापू? बापू, हाँ हाँ बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, मैं उन पापियों को कभी नहीं छोड़ूंगा बेटे, कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को बता दूंगा कि उनके आदमी अब क्या है। बेटे मुझे माफ कर दे बेटे। अब वो रमाब को भी उठा कर ले गए। अच्छा हुआ वो उसे उठा कर ले गए, वो मेरी माँ की कातिल है। नहीं, वो तुम्हारी माँ की कातिल नहीं है, उसने तो लक्ष्मी बहन को बचाने के लिए अदालत में भी झूठ कहा, और सच तो ये है अजय कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की ही नहीं, उसका कत्ल हुआ था। जाओ, आजाद किया तुम्हें। जो आवाज हमारे खिलाफ उठती है वो इसी तरह घुट घुट के दम तोड़ती है। पुकार अपने बेटे को, पुकार, पुकार। रमा कातिल नहीं है अजय, उसे बचा लो अजय, अजय उसे बचा लो।